गैस आज के वीडियो में आपको एक चैटिंग दिखाने जा रहा हूँ जो कि एक लड़का और एक लड़की के बीच हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चैटिंग मेरी नहीं है, ये चैटिंग हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर की है जिसने मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सारी चैटिंग सेंड की है। एंड उसने मुझसे कहा कि भाई इस टॉपिक पे एक वीडियो जरूर बनाना। सो गैस उसके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और गैस जब मैंने इन दोनों की चैटिंग्स को पढ़ा तब मुझे भी लगा कि हाँ यार इस टॉपिक पे एक वीडियो बनना भी चाहिए, क्योंकि गैस अक्सर लड़के या लड़की ये गलतियां करते हैं और जिस वजह से उन्हें बाद में बहुत ज्यादा तकलीफें होती है और वो तकलीफों को सह नहीं पाते हैं और फिर बाद में कोई भी गलत डिसीजन लेते हैं। सो गैस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी जाने कि आखिर आपको कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गैस मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन और कर दूं इस वीडियो के बारे में। गैस मैं आपको बता दूं, ये जो चैटिंग है भाई और उस लड़की के बीच, तो भाई और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में उस लड़की के लाइफ में कोई दूसरा लड़का आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तब तक आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ रहती है जब तक आपसे बेहतर कोई इंसान उसकी लाइफ में ना आ जाए। जिस दिन उसके लाइफ में आपसे कोई बेहतर इंसान आ जाता है उस दिन से वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है या स्टार्ट कर देता है। सो गैस ऐसे ही हुआ, उस लड़की के लाइफ में एक दूसरा लड़का आया और उस वजह से वो लड़की भाई को इग्नोर करने लगी। भाई ने उसे अपने नंबर से मनाने की कोशिश की तो उस लड़की ने सबसे पहले भाई का नंबर ब्लॉक कर दिया। भाई ने दूसरे नंबर से भी ट्राई किया तो उसने दूसरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। और अभी जब भाई ने एक नए नंबर से फिर से उसे मैसेज किया है तो दोनों के बीच जो भी बातें हुई उसकी चैटिंग में आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि उस लड़की ने भाई के इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है। तो आखिर भाई ने ऐसी कौन सी गलती की है? बातें करने के दौरान भी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जिस वजह से लड़कियां इरिटेट हो जाती है और लड़कों को ब्लॉक कर देती है। सो गाइस मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की है जिस वजह से उस लड़की ने भाई के इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है। सो गाइस आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। सो गाइस आप अपने लाइफ में इन गलतियों को कभी ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिर देखते हैं दोनों के बीच क्या चैटिंग हुई है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गैस भाई कहते हैं यार ऐसे मत करो प्लीज। गैस मैं आपको बता दूं, इससे पहले का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिला है तो इससे पहले क्या बातें हुई है ये मैं भी नहीं जानता, तो वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता क्योंकि इससे पहले का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास है ही नहीं। उसने मुझे जहां से सेंड किया था वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो भाई कहते हैं यार ऐसे मत करो प्लीज और रोने लगते हैं। तो लड़की कहती है एक बार कहने पे समझ नहीं आता और गुस्से वाले मुझे भेजती है। तो भाई कहते हैं यार प्लीज, हाथ जोड़ते हैं। तो लड़की कहती है देखो मुझे मैसेज या कॉल मत करो। तो लड़का कहता है एक लास्ट बात सुन लो प्लीज और रोता है। लड़की कहती है बोलो। तो लड़का कहता है क्यों इतना बदल गई? अब भाई देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि आप उससे पूछ रहे हैं कि क्यों इतना बदल गई। अब वो इस क्वेश्चन का कोई आपको आंसर देगी ही नहीं क्योंकि उसके पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप उससे ऐसे ही सवाल कर रहे हो। उसे तो इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो बदल चुकी है। तकलीफ आपको हो रही है तो आपको पता है कि वो बदल चुकी है, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो बदल चुकी है। वो आपके साथ जिस हिसाब से रिलेशनशिप में थी अभी वो उस लड़के के साथ उसी हिसाब से रिलेशनशिप को मेंटेन कर रही है, तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो बदल चुकी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो जब लड़का कहता है क्यों इतना बदल गई तो लड़की कहती है मेरी मर्जी मेरी लाइफ और कुछ। तो लड़का यहाँ पे रोने वाला है मुझे भेजता है और कहता है मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तो लड़की कहती है तो मर जाओ, हद है यार, मतलब कुछ भी। तो लड़का यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तो लड़की कहती है मर जाओ, मतलब सोचो यार किस हद तक इग्नोर कर रही है लड़की। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि आपको उसके सामने रिक्वेस्ट करना पड़े तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना आप खुद की इंसल्ट कराओगे और कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जिस इंसान को आपको छोड़कर जाना रहेगा ना, आप चाहे उससे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, उसके पैर पकड़ लो, लेकिन वो इंसान आपके पास नहीं रुकेगा, वो आपको छोड़कर जाएगा ही। तो जब लड़की कहती है तो मर जाओ तो लड़का कहता है क्या वो मुझसे भी अच्छा है? गाइस देखो यहाँ पे एक और गलत सवाल, ये सवाल आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप यहाँ पे क्या पूछ रहे हो, क्या वो मुझसे भी अच्छा है? तो इससे तो साफ साफ पता चल ही रहा है कि वो आपसे बेहतर है, तभी तो वो उसके लिए आपको इग्नोर कर रही है। अगर आप उससे अच्छे होते तो फिर वो आपके लिए उसे इग्नोर नहीं करती, लेकिन वो आपके लिए उसे नहीं बल्कि उसके लिए आपको इग्नोर कर रही है। तो इसी से ये पता चलता है कि वो आपसे ज्यादा बेहतर है। सो गाइस इस सवाल का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आप ऐसे सवाल करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंसल्ट होगी। और भाई ने भी यही करवाया है। भाई ने जब उससे कहा क्या वो मुझसे भी अच्छा है तो लड़की कहती है तुमसे तो लाख गुना बेहतर है। यहाँ पे भाई की इंसल्ट हुई है और भाई की इंसल्ट इसलिए हुई है
क्योंकि भाई ने ऐसा सवाल ही किया था। तो गाइज अगर आप भी ऐसा कोई भी सवाल करेंगे तो शायद आपकी भी इंसल्ट हो सकती है। सो गाइज आप कुछ भी सवाल करने से पहले 1000 बार जरूर सोच लें कि आप उससे क्या पूछ रहे हैं। तो उसके बाद भाई से रोने वाले मुझे भेजते हैं और कहते हैं प्लीज मान जाओ ना, यहाँ पे एक और गलती, जो लड़की आपकी इतनी इंसल्ट कर रही है, जो लड़की आपको इतना इग्नोर कर रही है, उस लड़की से आप मानने की उम्मीद ना ही रखे तो ही ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो लड़की आपकी इतनी इंसल्ट करती है वो लड़की नहीं मानेगी, चाहे आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, आप चाहे उसके हाथ जोड़ लो, उसके पैर पढ़ लो, लेकिन वो लड़की नहीं मानेगी मेरे भाई। तो गाइस भाई जब कहते हैं प्लीज मान जाओ ना, तो लड़की कहती है क्या मान जाऊं, तो लड़का कहता है मुझसे अच्छे से बात करो। तो फिर लड़की कहती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी तो अच्छे से क्या करूं। तो फिर लड़का रोने वाला है मुझे भेजता है, फिर कहता है ऐसे मत बोलो प्लीज। तो लड़की कहती है ओके बाय, मुझे दोबारा मैसेज मत करना। तो लड़का कहता है मैं तो करूंगा। तो लड़की कहती है हाँ जानती हूँ। तो लड़का कहता है क्या जानती हो। तो कहती है यही कि कुत्ते तो हो ही, इसलिए बार बार ब्लॉक करने के बाद भी न्यू नंबर से मैसेज करने लगते हो। फिर लड़का यहाँ पे रोता है, कहता है ऐसे क्यों कह रही हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ ऐसा क्यों नहीं कहेगी, जरा ये बताना ऐसा क्यों नहीं कहेगी, सही तो कर रही है आपके साथ, ऐसा कर रही है, ऐसा कह रही है, सही तो कर रही है, वो कुछ गलत कर रही है क्या, आपके साथ यही होना चाहिए। अब गाइस अगर आप लोग ये सोचेंगे कि यार करण तू कैसी बातें कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं यार क्या है ये सब, लड़की उसे कुत्ता कह रही है लेकिन ये भाई साहब फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इतना समझाता हूँ कि यार जो आपको इग्नोर करे उसके पीछे दोबारा जाना ही नहीं है, एक दिन वो बंदा या वो बंदी खुद आपके पास आएगा। लेकिन नहीं, आप में तो सबर ही नहीं है, आपको तो बस रिक्वेस्ट ही करना है, जाओ करो मरो मेरा क्या। तो भाई जब कहते हैं ऐसा क्यों कह रही हो, तो लड़की कहती है ओके फाइन बहुत हो गया, मुझे बात नहीं करनी बाय। तो लड़का कहता है सुनो तो प्लीज, हाथ जोड़ता है, कहता है प्लीज। तो लड़की कहती है तुम चाहते हो ये भी नंबर ब्लॉक करूं। तो लड़का कहता है नहीं प्लीज मत करना। तो कहती है ओके फिर बाय। तो लड़का यहाँ पे फिर से कहता है प्लीज सुन लो ना प्लीज, हाथ जोड़ता है, रोने लगता है, कहता है थोड़ी देर बात कर लो ना प्लीज, हाथ जोड़ने लगता है। फिर क्या था, वही था जो होना था। फिर लड़की कहती है तुम नहीं सुधरोगे, कुत्ते ही रहोगे भाई। उसके बाद लड़की ने हमारे भाई साहब को ब्लॉक कर दिया। फिर भाई साहब रिक्वेस्ट करते ही रहे सुनो ना प्लीज, ब्लॉक कर दिया और रोने लगते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप किसी के पीछे इतने पागल रहोगे तो सामने वाले आपको आंख लेता है कि आप कितने पानी में हो, वो जान लेता है आपकी कमजोरियों को कि आपकी कौन सी कमजोरी है। जब उसे पता चल जाता है कि मैं चाहे इसे कितना भी इग्नोर करूं लेकिन ये बस मेरे ही पीछे आएगा क्योंकि इसको कोई दूसरा काम ही नहीं है, और ये सोचकर सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी आपको और ज्यादा इग्नोर करती जाती है, इंसल्ट करता जाता है, क्योंकि गाइस उसे पता चल जाता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो इंसान आपको और ज्यादा इग्नोर करने लगता है। गाइस देखो यार एंड ऑफ द मोरल मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास है, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। सो गाइस आप अपनी रिस्पेक्ट करो अगर आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं तो, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी ये सारी गलतियां किया था और गाइस मेरे साथ भी सेम टू सेम यही चीजें हुई थी, मेरे सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया गया था। सो गाइस मुझे पता चल चुका है कि यार आप चाहे किसी के पीछे कितना भी पागल रहो, आप चाहे किसी के पीछे कितना भी रिक्वेस्ट करता रहो, लेकिन जिसे आपको छोड़कर जाना रहता ना वो हर हालात में आपका साथ छोड़कर जाएगा, लेकिन जिसे आपके साथ रहना होता है आप चाहे उसे कितना भी दूर करने की कोशिश करो लेकिन वो हर हालात में आपके साथ ही रहेगा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सो गाइस बाकी के डिसीजन आपके हाथों में, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से चलोगे मेरे हाथों की कठपुतलियां थोड़ी हो, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो। मैं तो बस इसलिए कहता हूं कि आगे चलकर आपको तकलीफ ना हो, जो तकलीफें मुझे हुई है वो तकलीफ आपको ना हो, इसलिए गाइस मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं कि गाइस आपको आगे चलकर तकलीफ ना हो, बाकी आपकी लाइफ आपकी मर्जी है, एज योर विश, जैसे जीना चाहो जी सकते हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है, और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।